सो हे गाइस, कैसे हो? आज मैं आपके लिए लाया हूँ 20 फीट बाय 30 फीट का एक बेहतरीन हाउस प्लान, और इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि आप घर बनवाते समय आपका एक क्वेरीज रहता है कि इसमें मार्बल लगाएं या टाइल, तो ये भी आपको आगे पता चलने वाला है। तो देखो, अगर आप चाहते हो कि आपके फ्लोर की लाइफ ज़्यादा हो, मतलब 20 से 30 साल उसकी लाइफ हो, तो मार्बल आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है। एक बार खर्चा करने की ज़रूरत है, लाइफ जो मार्बल की है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर बात करें हम उसके वैरायटी, अब आजकल क्या हो गया है, मार्बल क्या है, सेमी मतलब नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल दोनों मिक्स करके बनाया जा रहा है। वो जो चीज़ है उसमें आपको वैरायटी, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी उसमें मिल जाएगी। और जो अगर हम बात करें इसके एडवांटेज की, तो जो मार्बल रहता है उसमें लाइफ भी ज़्यादा है, ये आपके रूम को भी ठंडा रखेगा, और इन फ्यूचर कभी क्रैक भी हो जाता है तो उसमें आप ग्राउटिंग भी करवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके फ्लोरिंग की लाइफ ज़्यादा हो, तो आपके लिए मार्बल एक बेस्ट चॉइस है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एक तो इसका लेइंग कॉस्ट ज़्यादा है, दूसरा हर 10 साल पे इसको रिपोलिश कराना पड़ेगा। नहीं भी कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा डल दिखने लगता है। अभी बढ़ते हैं हम टाइल की तरफ। तो देखो, टाइल में क्या चीज़ है, टाइल का एक में पहले फ़ायदा बताऊंगा। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, इतनी वैरायटी आपको मार्बल में नहीं मिलेगी। एंड इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बिल्कुल कम है, और इसमें कोई पॉलिश नहीं कराना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ इसमें डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि आपने एक बार टाइल लगवा दिया, अगर फ्यूचर में कभी ये टूट गई तो, अगर पड़ी होगी आपके पास तो ठीक है, लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं पड़ी है तो मार्केट में ढूंढते रह जाओगे, बहुत कम चांसेस के मिलने के। लेकिन टाइल का जो लाइफ है वो मार्बल के आधा होता है, मतलब 10-15 साल ये, और डल ये भी हो जाता है। एंड ग्रेनाइट लगवाने का बेस्ट जगह है किचन, किचन में लगवाओ, आपको ये बेस्ट लुक देगा और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। सो आई होप आपको मालूम चल गया होगा कि आपको क्या लगवाना है। तो आगे देखो, मैं इसका डायमेंशन आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये मेन गेट, उसके बाद से एंटर करेंगे अपने घर के अंदर, तो यहाँ से स्टेयर अप, और 3 फीट वाइड स्टेयर रखा है मैंने। एंड उसके बाद से ये यहाँ से यहाँ तक 10 फीट रखा है मैंने स्टेयर, एंड यहाँ से यहाँ तक 6 फीट 8 इंच रखा है। उसके बाद ये अपना इसको लॉन्च भी रख सकते हो, मैंने इसको लॉन्च रखा है। एंड 7 फीट 7 इंच बाय 7 फीट 2 इंच का रखा है इसको मैंने। उसके बाद से अपना ये यहाँ पे मेन डोर आएगा, मेन डोर आपको 4 फीट का रख सकते हो। एंड दिस इज आवर शॉप, इसका साइज मैंने रखा है 8 फीट बाय 10 फीट का। आप यहाँ पे एक रोलिंग शटर भी लगवा सकते हो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड अगर आप किराए पे देना चाहते हो तो आप यहाँ पीछे ये डोर मत लगाओ। दिस इज आवर डाइनिंग कम ड्राइंग हॉल, जिसका साइज मैंने रखा है 14 फीट 1 इंच बाय 9 फीट। काफ़ी ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एंड दिस इज आवर बाथ कम लैटरिन, जिसका साइज मैंने रखा है 6 फीट 2 इंच बाय 4 फीट का। एंड यहाँ पे मैंने वॉश बेसिन का प्रोविज़न किया है, यहाँ पे 2 फीट 6 इंच वाइड मैंने रखा है वॉश बेसिन। एंड दिस इज आवर किचन, जिसका साइज मैंने रखा है 8 फीट 10 इंच बाय 8 फीट का, ये बेहतरीन होगा। एंड दिस इज आवर डोर, और ये है अपना बेडरूम, जिसका साइज मैंने रखा है 8 फीट 10 इंच बाय 10 फीट 2 इंच का। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। इसमें आपका बिल्डिंग कॉस्ट आएगा 10 to 12 लाख,
डिपेंड करता है आपके क्वालिटी एंड क्वांटिटी के ऊपर। एंड कॉलम साइज 10 इंच इंटू 12 इंच का रखो एंड 16mm का टोर 4 यूज करना है। एंड विंडो साइज आपका 3 फीट बाई 4 फीट, 3 फीट बाई 5 फीट, 4 फीट बाई 5 फीट जो भी अच्छा लगे रख सकते हो। एंड वेंटिलेशन 2 फीट इंटू 1 फीट। डोर का साइज आपको रखना है 3 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट का। एंड टॉयलेट किचन डोर का साइज 2 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट का आप रख सकते हो। एंड इसका कॉलम पोजिशन देख लो आप, कॉलम एक बिल्डिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका अगर फाउंडेशन बीम पोजीशन एंड कॉलम पोजीशन सही ना हो तो बिल्डिंग कोलैप्स करने के भी चांसेस होते हैं। तो ये प्लान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ऐसे और अमेजिंग हाउस प्लान के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए हाउस प्लान के साथ। लव यू ऑल, जय हिंद।